हमारे राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में, आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर टॉक जिले के उनियारा उपखंड से है, जहां ग्राम पंचायत चौरू अंतर्गत शहीदाबाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जलभराव के चलते स्कूल में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा था। अध्यापकों ने प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया। इस मामले में उनियारा प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जेसीबी मशीन द्वारा पानी की निकासी करवाई। इस दौरान स्कूल में अलीगढ़ थाना अधिकारी सुरेश चौधरी, तहसीलदार, पटवारी, सरपंच, ग्राम सेवक और समस्त स्टाफ तथा सभी ग्रामीण मौजूद रहे। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। खबर पाली जिले के बारी क्षेत्र से है, जहां पंचायत समिति सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आयोजित वीसी में उपखंड मुख्यालय पर विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बाली नदी के पुलिया को चौड़ा करने के से लेकर पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही बाली के खुलाड़ा फालना की प्रमुख समस्याओं को लेकर भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। फालना नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों को कलेक्टर ने कार्यालय आने की बात कही। वीसी में बाली उपखंड अधिकारी दिनेश बिश्नोई, विकास अधिकारी भोपाल सिंह जोधा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हितेंद्र वागोरिया सहित कई आला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। बाली से सोहन पालीवाल की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा विभाग द्वारा राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में निर्मित आईएमए हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से आज दूसरे पायदान पर है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण काफी आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान एडीएम सिटी बीना महावत, डॉक्टर के मीना सहित काफी संख्या में चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है आज 11 जुलाई को। जनसंख्या स्थायित्व अगर आ जाता है तो ये अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वर्तमान में देश की जनसंख्या काफी अधिक है, 140 करोड़ के लगभग हम पहुंच गए, जो कि विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। और हमारे पास जो एरिया है उसकी दृष्टि से देश का करीब 16वां स्थान है। तो जनसंख्या जैसे ज्यादा होती है तो हम कितने भी संसाधन डेवलप कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, वह संसाधन हमें कम महसूस होते हैं। तो हमें लास्ट आदमी तक ये जानकारी देनी है कि जनसंख्या नियंत्रण के कौन से साधन वह अपना सकता है। इसके लिए स्थायी साधन पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, और अस्थायी साधन कंडोम, माला डी, माला एन और कई तरह के साधन हैं जिनका वह यूज करे और परिवार के बच्चों के बीच में अंतर रखे और साधन अपनाए, जिससे कि मतलब जो जनसंख्या में स्थायित्व हम पा सकें। खबर श्री माधोपुर से है, जहां पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत गरीब विद्यार्थियों को समाज सेवक दोस्त एसएसडी फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहे निशुल्क शिक्षण सामग्री अभियान के तहत शिक्षण सामग्री वितरित की गई। 16 बच्चों को पढ़ने लिखने की जरूरी सामग्री बांटी गई। शिक्षण सामग्री में बैग, कॉपियां, ज्योमेट्री बॉक्स एवं पेन पेंसिल के पैकेट वितरित किए गए। फाउंडेशन सदस्य विमल कुमार पबड़ी ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं है या असाध्य रोग से ग्रस्त होने के कारण कमाने में असमर्थ है, उनके लिए फाउंडेशन ने निशुल्क शिक्षण सामग्री वितरण अभियान चला रखा है, जिसके तहत 120 सरकारी स्कूलों में 1140 करीब बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की जा रही है। प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने फाउंडेशन के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर पाली जिले के बाली उपखंड से है, जहां जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई करते हुए विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। बाली उपखंड मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने जनता से जुड़ी आम समस्याओं पर अधिकारियों से लंबी चर्चा की। इस दौरान सुखड़ी नदी पर पुलिया निर्माण को लेकर चर्चा की गई। जन सुनवाई में नगर पालिका फालना के निवासियों ने खुलाड़ा फालना क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग भी रखी। जन सुनवाई के दौरान बाली उपखंड अधिकारी दिनेश बिश्नोई, विकास अधिकारी भोपाल सिंह जोधा सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बाली से सोहन पालीवाल की रिपोर्ट। हमारो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। सही, सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज 21 पर। धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।